अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम आए हैं मर्दान और कार हब शोरूम के ऊपर, और ये हमारे प्यारे भाई हैं। आपका नाम? महाज। इनका काफ़ी प्यारा नाम है माशाल्लाह। इनके पास है टोटली, तो इनके पास हर किस्म की गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी जिस गाड़ी का भी रिव्यू करने वाले हैं, वेगनार 2017 मॉडल 2017 मॉडल। और ये कितनी माइलेज वगैरह का पता होगा? 77,000 गाड़ी किलोमीटर चली हुई है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो सर 16 लाख तक फाइनल पड़ेगा। 16 लाख, 16.5 या 16, 16.5 डिमांड है 16 तक। हाँ, 16 तक वगैरह कर लेंगे। इनके पास आप लोगों के पास और किस्म की गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह इसके डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने वाले हैं। पहले इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह की है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर इसकी बॉनेट की बात की जाए, बॉनेट आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत भी स्पेस मिलता है, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर इसकी फ्रंट ग्रिल की बात की जाए, इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल मिल जाती है, ऊपर आपको क्रोम की, मिडल में आपको क्रोम का सुजुकी का लोगो, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर इसका ये नंबर वगैरह आ गया। अगर इसकी बम्पर की बात की जाए तो बम्पर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फॉग लाइट, आपको हार्ड प्लास्टिक, मिडल में आपको हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं, हेडलाइट्स आपको काफ़ी बड़ी सी मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, मिडल लाइट और काफ़ी हेडलाइट्स काफ़ी नीट एंड क्लीन क्रोमिकली आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर इसकी लेफ्ट साइड की फिंडर की बात की जाए, फिंडर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर वगैरह और काफ़ी नीट एंड क्लीन। अगर इसकी बात की जाए साइड मिरर की, साइड मिरर आपको हार्ड प्लास्टिक के दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको ग्लासेस और हार्ड प्लास्टिक का कुछ सीन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सुजुकी का डिफरेंट लोगो दिए जाते हैं। फ्रंट इसकी विंडोज़ वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जिसके ऊपर आपको एंटीना और काफ़ी इसके अंदर विंडो काफ़ी बड़ी दी गई हैं। यहाँ पर भी सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पर आपको ट्रिमिंग ब्लैक कलर की दी जाती है। इसकी हैंडल्स हार्ड प्लास्टिक और काफ़ी इसका बड़ा आपको इसके अंदर मिल जाता है पूरा विंडोज़ वगैरह, जिसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर से भी दी गई हैं, जो कि ओरिजिनल डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर। नीचे यहाँ पर फिनबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर बात की जाए इसकी बैक साइड की विंडो की, तो बैक साइड की विंडो की बिल्कुल इसकी विंडोज़ वगैरह काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर की भी एक दी जाती है, जिसके अंदर ट्रिमिंग और काफ़ी बैक साइड यहाँ पर एक लेयर सी दी जाती है, आप लोग देख रहे होंगे, ये इसके डिज़ाइन है। ठीक है, ये आगे बैक साइड के फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात की जाए, टेल लाइट्स आपको काफ़ी बड़ी सी दी जाती हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर, मिडल लाइट, रिवर्स लाइट और काफ़ी ग्लासेस और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच मिलता है, इसके अलावा पूरी नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये आगे इसका कुछ बैक साइड का ट्रंक, यहाँ पर इसके आगे काफ़ी नीट एंड क्लीन। मिडल में इसके आगे आपको इसकी विंडोज़ मिल जाती हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन। मिडल में आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पर इसके अंदर कोई रियर कैमरा नहीं दिया गया, जस्ट लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको वेगनार VXL का लोगो आपको लेफ्ट की जाने मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बैक साइड की बम्पर की बात की जाए, तो इसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट हार्ड प्लास्टिक का इसके अंदर दिया गया है जी बम्पर, हार्ड प्लास्टिक का चिकन मेड एग्जॉस्ट वगैरह। ठीक है, अब चले जाते हैं जी इसके लेफ्ट साइड की जाने, और यहाँ पर जस्ट लाइट यहाँ पर ज़रा सा स्क्रैच मिलता है, इसके अलावा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फिंडर के ऊपर आपको इसका मिल जाता है फ्यूल का, और लेफ्ट साइड की स्क्रीन विंडो वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जस्ट छोटी सी स्क्रैच वगैरह हैं, लेकिन ओरिजिनल है, कोई रिपेयर नहीं किया गया। ठीक है, और ये आगे इसकी लेफ्ट साइड का विंडो वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके इंटीरियर तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जी इसके विंडोज़ की जाने। राइट साइड के पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कोई रगजीन नहीं दी गई, पूरी हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर क्रोम, यहाँ पर आपको जस्ट दो बटन दिए गए हैं, यहाँ पर फ्रंट ऑटो और मैनुअल, आपको लेफ्ट साइड की विंडो का पावर बटन मिल जाता है। इसके अलावा हैंडल्स आपको क्रोम के, यहाँ पर छोटी सी स्पेस जो कि काफ़ी थोड़ी है। ठीक है, छोटी सी स्पेस, यहाँ पर स्पीकर ओरिजिनल जो दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। अगर विंडो की स्टार्टिंग में बात की जाए, तो पहले इसके ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का कवर दिया जाता है, और ये आगे इसकी कुछ सीट्स जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं, पहले तो इनको मैं पीछे कर लेता हूँ और अंदर की तरफ चलते हैं फिर। तो पहले बात करते हैं जी इसकी इंटीरियर की, तो पहले इसकी स्टेरिंग की बात कर लेते हैं। मिडल में सुजुकी का लोगो, यहाँ पर क्रोम लेदर की स्टिचिंग जो कि आफ्टर मार्केट की गई है। इसके अलावा मैनुअल गाड़ी आपको मिलती है, इसके अंदर मेन चीज़ जो है ना आर्मरेस्ट वो नहीं दिया गया। इसके अलावा हैंड ब्रेक, हार्ड प्लास्टिक की कवर वगैरह, और यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर भी दिए जाते हैं।
अगर इसके स्पीडोमीटर की बात की जाए, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर में साइड में आरपीएम मीटर और इंजन लाइट्स के डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर इसकी लाइट्स वगैरह ठीक है। इसके अगर हार्ड प्लास्टिक की बात की जाए तो ये आगे पूरा इसका आपको मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड। मिडम में आपको इसके मिल जाते हैं इसके MP3 सिस्टम, डबल इंडिकेटर का बटन, इसके अलावा AC के मैनुअल बटन्स। यहाँ पर आपको इसके क्रीमी कलर का आपको हार्ड प्लास्टिक का दिया जाता है जिसके अंदर आपको दो कलर मिलते हैं, ब्लैक एंड क्रीमी कलर। AC की विंड्स भी ठीक है, यहाँ पर भी ये फोल्ड हो जाते हैं अगर आप इन्हें करना चाहें तो, काफ़ी बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्रोम का आपको इसके अंदर ट्रिमिंग दी जाती है, लाइट एडजस्टमेंट, बैक साइड की विंडो की एडजस्टमेंट वगैरह। अगर इसकी डैशबोर्ड की स्पेस की बात की जाए तो ये आ गया कुछ इसकी स्पेस है और काफ़ी डिसेंट सी स्पेस है इसके अंदर। इसके अलावा ये आगे इसकी लेफ्ट साइड की विंडोज़ जिसके अंदर आपको वही सेम मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट की जानेब एंड लेफ्ट साइड की जानेब जस्ट पावर बटन से। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल और इसके अंदर आपको फोमिंग वाली सीट्स मिलती हैं और अच्छी खासी सीट्स हैं ठीक है। इसकी अगर रूफ़ की बात की जाए तो इसकी रूफ़ की अगर बात की जाए तो इसका रूफ़ काफ़ी बड़ा है और पूरा इसका रूफ़ देख लें। इसके अंदर आपको मिडम में कोई लाइट्स वगैरह नहीं दी जाती हैं, जस्ट फ्रंट के ऊपर LED लाइट्स दी जाती हैं और इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है मिरर वगैरह, जस्ट यहाँ पर भी कुछ मिरर नहीं दिया गया। जिस तरह प्राइस है उस हिसाब से कंपनी वाले ने उस तरह की चीज़ें नहीं दी गई, जिस तरह मिडम में ये लाइट्स वगैरह मिसिंग है और फ्रंट विंडोज़ वगैरह। और बैक साइड की अगर सीट्स की बात की जाए तो चलते हैं बैक साइड की जाने। विंडो वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सील वाइज गाड़ी कहीं से भी डैमेज नहीं है। यहाँ पर ये देख लें इसकी हार्ड प्लास्टिक की कवर और काफ़ी फ्लैट सीट्स हैं, आप इसके अंदर तीन बंदे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्पेस वाइज डिसेंट सी, अगर आप हैंड बैग रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, इसके अलावा इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। और यहाँ पर इसके हैंडल्स और ये कुछ आगे इसका इंटीरियर। अब चलते हैं जी इसके इंजन की जाने पे, पहले बात कर लेते हैं जी इसके टायर्स की। तो टायर्स की कंडीशन फ्रंट वाला भी और आप ये समझ लें आप 60% समझ लें ओके हैं। इसके अलावा इसके अंदर सादा रिम दी गए, अलॉय रिम नहीं दी गए, जो कि ओरिजिनल आते थे वही इसके अंदर सादा रिम सुजुकी के। और अंदर से इसका फ्रेम वाइज भी देख लें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। इंजन रूम पहले इसकी अगर बाने की बात की जाए तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सील वाइज गाड़ी कहीं से भी डैमेज नहीं है। ये आगे इसका इंजन फ्रेम वाइज परफेक्ट, फन की पंटी बिल्कुल परफेक्ट, अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं इंशाल्लाह डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर रिव्यू देता रहूँगा। जिस तरह अभी 2021 गाड़ी का इंशाल्लाह रिव्यू किया था, इसके अलावा अभी विगनार गाड़ी का मैंने रिव्यू कर लिया है, इसके अलावा 2013 मॉडल का किया था, इसके अलावा दूसरी गाड़ी है पीछे 350Z निसान, काफ़ी ज़बरदस्त। और अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट गाड़ी का रिव्यू करें तो इंशाल्लाह इस गाड़ी का भी इंशाल्लाह रिव्यू कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय।